गुड इवनिंग एवरीवन, बस स्टार्ट करते हैं और लोग कनेक्ट हो जाएं, तब तक मैं सबको शेयर कर दूं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए अभी तो एक दो मिनट है हमारे पास, तो बाकी लोग कनेक्ट हो जाएं। तब तक आप लोग बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है, शानदार जिंदाबाद जबरदस्त या फिर बस एम वही। गुड इवनिंग, तो अभी अपने क्या आज जून का करंट अफेयर्स चलेगा, योर शो। जून के बाद आप मान के चलिए एक पार्ट और आएगा, पार्ट थ्री, उसके बाद फिर हम जुलाई का करंट अफेयर्स करेंगे।
टाइम इज ए रिलेटिव थिंग, आइंस्टाइन कहते थे टाइम कम लग रहा है, लगना भी चाहिए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त चल रहा है। डांट बहुत लग रहा है, डर लग रहा है। अरे डरना तो होता ही नहीं है, एक छोटे से एग्जाम से डर जाएंगे। कल आपको ऑफिसर बनना है, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ना है, मुजरिम को पकड़ना है, उनको कैसे पकड़ेंगे ऐसे करेंगे तो? ये तो कुछ भी नहीं है। जबरदस्त चल रहा है, जबरदस्ती चल रहा है, जबरदस्ती कौन करवा रहा है तैयारी? भाई शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जो होगा देखा जाएगा, यही एटीट्यूड होना चाहिए। हमने अपना 100% दिया, बात खत्म, जो होगा देखा जाएगा। आपका जो टारगेट था आपने अपना 100% दिया, दैट्स एनफ, बस यही चाहिए होता है। ऑलराइट, सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज इंतखाब अली। आपका ये जो, अगर आप इस ग्रुप पे नए आए हैं तो आप इस नंबर पे जाके, ये मैथ्स वाले सरमर जी सर का नंबर है, इस नंबर पर जाके आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहां से फर्दर आपको जानकारी मिलती रहेगी। कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है? और पीडीएफ के लिए देखिए, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपके लिए हमने टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ डाल रखी है। टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलती जाएंगी, आप कितनी भी बार डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, 100+ मैसेजेस रोज ऐसे होते हैं जो कोई किसी चीज की पीडीएफ मांग रहा है, कोई लेक्चर 1 की मांग रहा है, कोई लेक्चर 2 की मांग रहा है, तो 100+ लोगों में अगर हम 2-2 मिनट भी एक पर्सन को दे दें तो 200 मिनट्स हो जाते हैं, और 200 मिनट्स का मतलब 3 आवर्स प्लस तो हमसे पीडीएफ बांट रहे हैं। तो ये हमारे लिए एफिशिएंसी डाउन करेगा, हमारी करेगा तो इनडायरेक्टली आपकी भी करेगा, क्योंकि ये टाइम हम आपका किसी और काम में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए पीडीएफ वगैरह के लिए प्लीज थोड़ा सा टेलीग्राम पे रहिए, वहां पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। आप नए हैं तो देखिए, आप नए हो पुराने हो, आप बस व्हाट्सएप ग्रुप में रहिए, ठीक है? सब आपको मटेरियल मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में रहिए, वहां से आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम में सारा मटेरियल आपके लिए अवेलेबल हो। नए होंगे तो भी आपको मिल जाएगा, पुराने होंगे तो मिल ही रहा होगा, ठीक है? उसमें क्या होता है, कभी किसी का फोन फॉर्मेट हो गया, कभी पीडीएफ खो गई, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आप दोबारा सीडी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, पीडीएफ सर सब आपका मिल जाएगा टेलीग्राम में, मैं कर रहा हूँ, रेगुलर अपडेट कर रहा हूँ। कल का नहीं मिलेगा, कल संडे था, संडे को कोई क्लास नहीं हुआ था, तो पीडीएफ कैसे होगा? और एक तो आज हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज का डिस्कशन होगा जून का पार्ट 2, डेली करेंट अफेयर्स डिस्कशन। ये क्लास हमारी रोज चलती है 8 PM से लेकर 10 PM तक। मॉर्निंग में हमारी क्लास चलती है 8 AM से लेकर 10 AM तक। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम क्या डिस्कस करते हैं, यहाँ पर हम करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो जो नए लोग हैं उनको मैं बता रहा हूँ, तो अब हम अपना करेंट अफेयर्स का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। करेंट अफेयर्स में हमारा क्वेश्चंस का डिस्कशन रहता है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। नीति आयोग एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉन्च सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, एक ट्रेड मोनोपोली का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, ट्रेड मोनोपोली आपकी एबॉलिश हो गई थी 1813 में, ठीक है?
इस 1830 में भी आपका दो काम छोड़ दिए गए, एक टी का काम और चाइना के साथ ट्रेड, ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना, इसमें मोनोपोली अभी भी मटी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये अबॉलिश होगी 1833 में। तो कंप्लीटली जो ट्रेड मोनोपोली आपकी खत्म हो रही कंप्लीट की वो 1833 में हो रही है, 1830 में अबॉलिश हो रही है, बट ये चाय और चाइना इनके साथ ट्रेड अभी भी बरकरार रहेगा। तो ये थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, कंप्लीटली बोले तो 1833। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर वन करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज जी पीरामल फाउंडेशन। ये जो आपका अभियान है, ये ऑर्गेनाइजेशन है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, ये बेसिकली ये बनाया गया है कि आपके जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर कोविड ट्रीटमेंट प्रॉपर होगा। देखिए हाँ, नीति आयोग एंड पीरामल फाउंडेशन इन्होंने क्या लॉन्च किया, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, जिससे आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ये हेल्प करेंगे ताकि जो कोविड 19 पेशेंट्स हैं उनको ये होम केयर पे ट्रीटमेंट दे पाए, उनके घर पे रहकर ही ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल लेके आएंगे तो हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, तो कोविड पेशेंट्स को घर पर ही ट्रीटमेंट दिया जा सके, इस तरह के जिनको सिम्टम्स हल्के हैं या फिर जो एसिम्टोमेटिक है जिनको कोई सिम्टम ही नहीं है, यानी ऐसे लोग जिनको कोरोना से कोई खास परेशानी नहीं है बस आइसोलेशन की मेन जरूरत है, तो उन लोगों को घर पे ट्रीटमेंट दिया जाए। इसमें आपका कौन काम करेगा, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर क्या लॉन्च किया है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हु हैज वॉन द पेन पेंटर प्राइस इन 2021। Who has won the Pain Painter Prize in 2021? बहुत बढ़िया, ऑलराइट, सभी का आंसर क्या आ रहा है, सी करेक्ट आंसर सिप्सी दंगारेम्बा, सिप्सी दंगारेम्बा, शी इज अ लेडी फ्रॉम जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है, जिम्बाब्वे कहाँ पड़ेगा आपका, अफ्रीका में पड़ेगा। इनको ये अवार्ड दिया गया है पेन पेंटर प्राइज, ये लिटरेचर का अवार्ड अवार्ड है, ऑथर को मिलता है, कोई अच्छी जिसकी राइटिंग वगैरह होती है, कुछ अच्छा जिसने लिखा होता है तो उसको अवार्ड मिलता है। तो जिम्बाब्वे ने काफी अच्छी अच्छी किताबें लिखी, उसमें लिखा था कि जिम्बाब्वे कैसे यूके इंग्लैंड के टाइम में कॉलोनाइज था, फिर कैसे वहां पर जब कॉलोनी से फ्री हुए फिर उनके आपस के इंटरनल इश्यूज रहे, फिर उन इंटरनल इश्यूज को उन्होंने कैसे टैकल करा, तो इस तरह की पूरी जिम्बाब्वे की हिस्ट्री लिखी है उन्होंने, तो इसके लिए इनको एक अवार्ड मिलता है, अवार्ड का नाम क्या है, पेन पेंटर प्राइज। तो ये याद रखेंगे किसको मिला है, सिप्सी दंगारेम्बा, करेक्ट आंसर इज सिप्सी, पूरा नाम भले ही याद न रहे इतना तो याद रख लीजिए, सिप्सी, ठीक है, पेन पेंटर प्राइज किसको मिला है, सिप्सी, करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, द 8th इंटरनेशनल हाइड्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल हाइड्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये किस कंट्री में हुआ था, डेनमार्क, पोलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, बताइए। द 8th इंटरनेशनल हाइड्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच कंट्री, इसमें एक वर्ड ऐड कर लेंगे, अबाउट टू, अब कंप्लीट होगा क्वेश्चन। ऑलराइट, डेनमार्क, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, अरे बाप रे डेनमार्क क्यों आ रहा है, जर्मनी ठीक है, पोलैंड ए, अमन मानसा ए कह रहे हैं, पापू तातुंग आप ए कह रहे हैं, ओ अमन मानसा डी कह रहे हैं, आमिन काम पे का है डेनमार्क,
बड़ी ही इसमें बटी हुई राय है आप लोगों की, तो पक्का इसमें तुक्के ज्यादा चल रहे हैं। चलिए तुक्कों का भांडा फोड़ते हुए करेक्ट आंसर इज डी, जर्मनी। एक्चुअली ये जो इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस है ये 2020 में होनी थी जर्मनी में, बट पैंडेमिक की वजह से ये टल गई, तो 2021 में हुई है, बट ये ऑनलाइन हुई है, वर्चुअल हुई है, ठीक है। तो ये जर्मनी में ना होकर ये वर्चुअली अरेंज की गई है, हाँ, लेकिन इसको प्लान जर्मनी में किया गया था, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जर्मनी हो जाएगा। अब इस कॉन्फ्रेंस में वो बात क्या करेंगे, बातें होंगी जस्ट लाइक कि नाइट्रोजन से निकलने वाला जो पॉल्यूशन है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन है, बट वो नाइट्रोजन डायरेक्ट हम प्लांट्स के लिए यूज नहीं कर सकते, उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसी प्रोसेस होती है, वो एनवायरमेंट में आप पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जो नाइट्रोजन बनता है, जो प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं, वो आपका प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, बट उसके बाद जो आप नाइट्रोजन यूज कर लेते हैं, उसके बाद जो उसका पॉल्यूटेंट्स होता है, जो पॉल्यूशन होता है, वो नुकसानदायक होता है। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसमें से जो नाइट्रोजन निकलता है वो पॉल्यूशन फैलाता है। तो किस तरह से नाइट्रोजन को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, नाइट्रोजन से निकलने वाले पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी बातें हुई थी आपकी 8th इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में। ये कहां हुआ आपका, जर्मनी में। अब आप ये बताइए जर्मनी की कैपिटल क्या है, जर्मनी की कैपिटल बताइए, फ्रांस की तो पता ही होगी, पोलैंड और डेनमार्क की भी बताइए। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन आ गई, फ्रांस की तो पता ही होगी वही एफिल टावर वाली, और पोलैंड और डेनमार्क, और बताइए। डेनमार्क की कैपिटल आपने नाम जरूर सुना होगा, पोलैंड पहली कंट्री का जिसपे हिटलर ने अटैक किया था, वॉर्सो। बढ़िया, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, पोलैंड की है वॉर्सो, और बिल्कुल ही जो नादान परिंदे जिन्हें फ्रांस की भी ना पता हो उनके लिए मैं लिख रहा हूं पेरिस। और जर्मनी की कैपिटल, ये ऐसा तो नहीं कोई जिसने कैपिटल में लिख लिया कि जर्मनी की कैपिटल कैपिटल है, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था आपका इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, फीना। एक इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन है, इसके अभी भी नए नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो आपको बताना है कौन बने। डेनमार्क का कैपिटल अरुणाचल है, कैसे, ये सब कहां से आती है बातें, बिल्कुल कुछ भी फैंटेसाइज हो रहा है। डेनमार्क का कैपिटल अरुणाचल है भैया, आंसर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, चार ऑप्शन दिए होंगे उनमें से एक करेक्ट करना होगा, ऐसा नहीं होगा कि पांचवा स्पेस देके आपको जो लगता वो लिखिए। वीरेंद्र नानावटी लगा रहे हैं, ए हुसैन अल मुसल्लम लगा रहे हैं, अच्छा जिनको भी आप लगा रहे हैं ये बताइए वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नो आइडिया, कोई बात नहीं, धूपे सो रही थी, वी विल गिव यू एन आइडिया। करेक्ट आंसर इज ए, हुसैन अल मुसल्लम, ठीक है। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, इसको प्यार से हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, फीना कहते हैं, फीना। फीना का हेडक्वार्टर कहाँ है, फीना का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, लोसैन नाम का शहर है स्विट्जरलैंड में, वहां पर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। हुसैन अल मुसल्लम कहां से बिलोंग करते हैं, टेरेसा मुसुजी का आंसर करेक्ट है, ही बिलोंग्स फ्रॉम कुवैत, ठीक है। अच्छा कुवैत की कैपिटल,
कुवैत की कैपिटल भी और करेंसी भी। कुवैत की कैपिटल बताइए और करेंसी। बहुत टफ कैपिटल है कुवैत की, एक बार में तो उसका नाम याद ही नहीं होता है। बताइए क्या है। वही तो क्वेश्चन पेपर जो सेट कर रहा उसको भी इतनी जानकारी ना हो, इतना पढ़ के जाना है आपको। हाँ जी, कुवैत की कैपिटल क्या है? बहुत टफ सी है कुछ, क्या नाम है? बहुत टफ नाम है, शायद आप लोग लिख भी ना पाए, इतनी टफ कैपिटल है। ये बार बार कमेंट ऑफ हो जाता, मैं इससे बड़ा परेशान हूं। बहुत बढ़िया। कुवैत की कैपिटल इज कुवैत सिटी, कितना टफ नाम है, कुवैत सिटी। ठीक है, और करेंसी इसकी दिनार है, कुवैत की दिनार चलते हैं। करेंसी इसकी क्या है? दिनार है। ठीक है, कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी कैपिटल उन्हीं नाम पे, जैसे कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी, सिंगापुर की सिंगापुर, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी। तो इनको तो स्पेशली आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं। डिनर नहीं है, दिनार है, दिनार डिफरेंस होता है डिनर और दिनार में। इतनी जल्दी भूख लगाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4-5। अ पोस्टेज स्टाम्प वॉज रिलीज टू कुमे, इसका आंसर तो बता दिया ना मैंने। हाँ, ए हुसैन अल मुसलम, ही बिलोंग्स फ्रॉम कुवैत। A postage stamp was released to commemorate the 70th anniversary of India-Germany diplomatic relations. India-Germany की diplomatic relations बने हुए 70 साल पूरे हो गए, तो इसी शुभ अवसर पर एक हमने stamp निकाली और उसमें एक जर्मनी की historical building को बनाया है उस stamp में। तो आपको बताना है वो building कौन सी है। अभी recently हाँ हमने एक building बनाई है, वो स्टैंप निकाली उसमें एक बिल्डिंग की फोटो डाली, तो आपको बताना वो बिल्डिंग कौन सी है। अमन वांसा जी, इस बार आपका आंसर गलत है। करेक्ट आंसर इज ए, ब्रैंडनबर्ग गेट। कुछ यूं है, ये देखिए, ये अपना ये क्या है, ये इंडिया गेट है। ये दिल्ली आएंगे तो आपको दिल्ली में घूमने को मिलेगा। आजकल तो शायद ना घूम पाए, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये आपका, ये ब्रैंडन गेट है, ठीक है, ब्रैंडनबर्ग गेट। इंडिया गेट एंड ब्रैंडनबर्ग गेट ऑन ए स्टैंप रिलीज टू सेलिब्रेट 70 इयर्स ऑफ इंडिया जर्मनी टाइज। स्टैंप रिलीज बाय हर्ष वी श्रृंगला एंड जर्मन एम्बॉय दिस। ठीक है, टोपू भाई, हाँ कई लोग गूगल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आपको जितना आता आप उसको देखिए। मैं पहले भी कह चुका हूं आपको किसी के आंसर नहीं देखने, आप ये देखिए आप कितना कर पा रहे हैं। जरूरी नहीं है लोग यहाँ कर पा रहे हो तो एग्जाम में भी कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना आपको। एग्जाम का माहौल बिल्कुल अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स किसने टॉप की है? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एमआईटी या मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको प्यार से हम लोग एमआईटी बुलाते हैं, और या सीआईटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेजोरिटी इज विद सी। हाँ, तो जो 2022 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई हैं, उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। देखिए, वर्ल्ड लेवल पे दो रैंकिंग्स चलती हैं, एक तो आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स चलती हैं, एक टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग चलती है। ठीक है, टाइम्स
हायर एजुकेशन रैंकिंग्स चलती हैं, इसको THE कहते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की, फुल फॉर्म क्या है, क्वेकर्ली साइमन्स, क्वेकर्ली साइमन्स ये एजुकेशन नेटवर्क है USA का, ये पूरी दुनिया की जो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनको ट्रैक करती हैं, फिर उनको रैंकिंग देती हैं। हमें दुनिया से क्या मतलब है, दुनिया में देख लिया टॉप पे MIT है, फिर उसके बाद हम अपनी यूनिवर्सिटीज पे आ जाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज तो काफी पीछे है, सबसे आगे उनमें से IIT बॉम्बे ही है 177 रैंक के बाद। तो हम लोग जनरली टॉप 200 में आ जाते हैं, तो टॉप 200 में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज है हमारे पास, उसके बाद इवन IIT मद्रास, कानपुर, ये सब 200 के भी नीचे हैं। फिर एक DU है आपका 500 वाले बैंड में, फिर 500 टू 600 में अभी इस साल एक और यूनिवर्सिटी ऐड हो गई, दिल्ली की JNU फिशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट इज अमंग द टॉप 600 यूनिवर्सिटीज। तो अभी हमारी यूनिवर्सिटीज की हालत बहुत अच्छी नहीं है, IITs जिनका इतना नाम है बट स्टिल वो अंडर 200 भी नहीं आ पाते हैं। इसका मेन रीजन एक ये भी है कि इंटरनेशनल फैकल्टीज नहीं है हमारे पास, ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं ये लोग, इनके पास इंटरनेशनल फैकल्टीज काफी हैं, बाहर से फैकल्टीज, तो इसलिए भी इनकी रैंकिंग अच्छी आ जाती है क्योंकि ये भी एक फैक्टर काउंट करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि हम वाकई में बहुत पिछले हुए हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज IITs वगैरह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ICMR हैज अप्रूव्ड दिस सेल्फ यूज रैपिड एंटीजन टेस्ट किट फॉर COVID-19 डेवलप्ड बाय मेरिल डायग्नोस्टिक्स। मेरिल डायग्नोस्टिक्स ने एक एंटीजन टेस्ट किट बनाई है जिसका नाम है, वही नाम पूछ रहा है, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट बनाई है, नाम पूछ रहा है क्या होगा। RGU की जो रैंक है वो इंडियन गवर्नमेंट ने निकाल दी है, NIRF जो है, NIRF निकालता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रैंक, उसमें RGU की सेकेंड है। ऑलराइट, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है, कोवी सेल्फ या कोवी फाइंड, कोवी सेल्फ या कोवी फाइंड, पक्का कोवी सेल्फ, कोवी सेल्फ ही है, कोवी सेल्फ क्यों बोल रहे हैं आप लोग, कोवी सेल्फ नहीं है, करेक्ट आंसर कोवी फाइंड है, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या है, कोवी फाइंड है। ये किसने डेवलप की है, मेरिल डायग्नोस्टिक्स ने, याद रखिएगा मेरिल डायग्नोस्टिक्स ने डेवलप की है कोवी फाइंड। इन सबको अप्रूवल कौन देता है, ICMR, ICMR की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, या ICMR की फुल फॉर्म है। हाँ, मेरे को कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी लोग, ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च हैज अप्रूव्ड दिस सेल्फ यूज रैपिड एंटीजन टेस्ट किट फॉर COVID-19 डेवलप्ड बाय मेरिल डायग्नोस्टिक्स। तो करेक्ट आंसर इज कोवी फाइंड, ठीक है।
कोबी सेल्फ याद करेगा, वही तो कोबी सेल्फ जो हमने एक पिछले करंट अफेयर्स में देखा था, वो शायद माई लैब से बना है, वो आप अपने आप से खुद से टेस्ट कर सकते हैं घर बैठे, वो था कोबी सेल्फ वाला। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has won the women singles title at French Open 2021? Who has won the women singles title at French Open 2021? Barbara, Rebecca, Iga, Ashley, Bharti. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। कोवी सेल्फ भी हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले करंट अफेयर्स में पढ़ा था कोवी सेल्फ को भी माई लाइफ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज वॉन द वीमेन सिंगल टाइटल एट फ्रेंच ओपन 2021? करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? मैं देखता हूँ, एक लिख देता है, दो चार हो गए, उसके पीछे सब चले गए। बारबरा रेसिकोवा। ऑल राइट, करेक्ट आंसर इज बारबरा रेसिकोवा। ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, कंट्री का नाम बता दीजिए। हैंग हो गया? नहीं, यहां तो सही चल रहा है, इधर तो ठीक है, अंग्रेजी इधर सही चल रहा है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। और पाई आइडो कह रहे हैं चेक रिपब्लिक। एशली बार्टी विंबलडन, विंबलडन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फ्रेंच ओपन की। तो करेक्ट आंसर इज बारबरा, और बारबरा इज फ्रॉम चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक का अगर हम मैप देखना चाहें तो कुछ यहाँ देख सकते हैं इस तरह से, ये यूरोप में कंट्री है, इसके इधर जर्मनी है, इधर पोलैंड है, इधर आपका स्लोवाकिया है, और इधर आपका ये कौन सा कंट्री, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो ये वाला जो कंट्री है ये चेक रिपब्लिक है, बीचों बीच यूरोप में आपको मिलेगा चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की कैपिटल बता सकते हैं? इधर से तो ठीक चल रहा है, आप एक बार चेक रिफ्रेश कर लीजिए, इंटरनेट का इशू होगा, इधर तो ठीक चल रहा है। चेक रिपब्लिक का मेरे को कैपिटल बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, चेक रिपब्लिक का कैपिटल है प्राग, ठीक है, इसका कैपिटल याद रखिएगा प्राग, चेक रिपब्लिक का। अब यही जो कंट्रीज यूज में रहती है इन्हीं के तो हमें याद करने होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेम द इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हु हैज वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर एक्सपोजिंग चाइनाज वॉस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिटेनिंग मुस्लिम्स। नेम द इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट Who has won the Pulitzer Prize for exposing China's vast infrastructure for detaining Muslims? Correct answer है आपका, ये Indian origin person है, मेघा राजगोपालन, Buzz India Feed नाम की एक कह सकते हैं वेबसाइट है, Buzz India Feed उसके लिए काम करती है। पुलित्जर प्राइज मिला है, पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म में मान के चलिए नोबल प्राइज है, पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म का नोबल प्राइज है। तो जर्नलिस्ट हो, ऑनलाइन मीडिया हो, जो जर्नलिस्ट फोटोग्राफर्स होते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है पुलित्जर प्राइज। ये यूएसए का अवार्ड है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस अवार्ड को देती है। तो ये अवार्ड हम किसको मिला है, ये मिला है मेघा राजगोपालन, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, पुलित्जर प्राइज किसको मिला है अभी रिसेंटली में, मेघा राजगोपालन को मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, द समक्का सागर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? समक्का सागर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी।
ये भी रिसेंटली न्यूज में था। बताइए सी आंसर, एक बार चेक करिए सी ही है या क्या है आंसर, कंफर्म करिए आंसर। तो भाई महानदी आंसर आ रहा, महानदी डी आ रहा है, पक्की तुक्केबाजी चल रही है इसमें तो। नहीं पता तो आप लोग डोंट नो भी लिख सकते हैं, अगली बार से एक ऑप्शन और बना देंगे ई डोंट नो। ठीक है, करेक्ट आंसर इज गोदावरी। समका सागर प्रोजेक्ट किस नदी पे बना है, गोदावरी पे बना है, और किस स्टेट में बना है, तो तेलंगाना में बना है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। और तो और अब आपको क्या करना है, मेरे को बताना है गोदावरी रिवर का ओरिजिन, गोदावरी रिवर का ओरिजिन बताइए, फिर महानदी का भी लिखेंगे, फिर कृष्णा का भी लिखेंगे, कावेरी का भी लिखेंगे। जल्दी से रिकॉल करिए, याद करिए, गोदावरी ये सब पढ़ चुके, गोदावरी का ओरिजिन। पढ़ा था ना, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी छत्तीसगढ़ से निकल रही थी, गोदावरी आपका महाराष्ट्र से निकलेगी। माउंटेन पीक बतानी है आपको, फिर इसी तरह से कृष्णा, ये भी आपका वही महाराष्ट्र से निकलेगी, कावेरी फिर आपका कर्नाटक आ जाइए। बहुत बढ़िया, वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन अगर हम देखें तो सबसे पहले महानदी की अगर हम बात करें, ठीक है, महानदी ये आपका, इसका ओरिजिन कौन सा है, सिहावा माउंटेन्स छत्तीसगढ़। सिहावा माउंटेन्स छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद आप आ जाइए गोदावरी, गोदावरी के लिए आप जाएंगे महाबलेश्वर। ठीक है, गोदावरी के लिए कहां जाएंगे, महाबलेश्वर। ये कहां मिलेगा आपको, महानदी, हाँ ये तो महाराष्ट्र हो गया आपका। फिर इसके बाद कृष्णा आ जाइए, कृष्णा भी आपको वही वेस्टर्न घाट्स त्रिम्बकेश्वर नाम की जगह है, त्रिम्बकेश्वर, ठीक है, महाराष्ट्र। और कावेरी, कावेरी ये कर्नाटका जाना पड़ेगा, ब्रह्मागिरी हिल्स, ठीक है, कहां जाना पड़ेगा, ब्रह्मागिरी हिल्स, कहां पर, कर्नाटका, वहां मिलेगा आपका कावेरी। ठीक है, तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इनको याद रखिएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सनमक्का सागर प्रोजेक्ट किस नदी पे, गोदावरी पे। गोदावरी का एक और नाम है दक्षिण गंगा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं गंगा ऑफ द साउथ, गंगा ऑफ द साउथ, या फिर और क्या कह देते हैं, दक्षिण गंगा। ऑलराइट, तो
महाबलेश्वर गोदावरी, गोदावरी महाबलेश्वर के लिए गोदावरी जाइए। उल्टा हो रहा है क्या? उल्टा हो रहा है? एक मिनट, लेट मी चेक। ओ हाँ, गोदावरी कृष्णा उल्टा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो महानदी तो वही आपका छत्तीसगढ़ था। गोदावरी, गोदावरी मिलेगा आपको त्रिंबकेश्वर। कृष्णा, कृष्णा मिलेगा ये महाबलेश्वर है। ठीक है, महाबलेश्वर है। और कावेरी, कावेरी तो अपना वही कर्नाटका, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका। अब ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, महानदी अभी याद रखिएगा, ये सिहावा माउंटेन छत्तीसगढ़, गोदावरी त्रिंबकेश्वर और ये कृष्णा महाबलेश्वर, ये दोनों किसमें है आपका? महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट्स वाले इलाके में है। हो सकता है डायरेक्ट ये पूछ ले कि वेस्टर्न घाट्स दे दे, ओरिजिन में हो सकता है डायरेक्ट वेस्टर्न घाट्स दे दे, ये थोड़ा सा और प्रिसाइज लोकेशन है। ठीक है, ऑल राइट। नहीं, ये तो अच्छी बात है, आप लोग चेक क्रॉस चेक करते चल रहे हैं तो बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर 11। विच बैंक हैज टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक 2021 फॉर इंडिया रिलीज बाय फोर्ब्स मैगजीन। अभी रिसेंटली किस बैंक ने टॉप करा था लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक 2021? फोर्ब्स मैगजीन ने निकाला है इसको। इंडिया के लिए बेस्ट किताब कौन सा है? अरे ग्रीड व्रीड करने की जरूरत नहीं, आराम से आइए, बैठिए, ज्वाइन करिए डीबीएस बैंक। हाँ, डी डी अधूरा आएगा। नहीं, करेक्ट आंसर इज डीबीएस बैंक। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डीबीएस बैंक। ठीक है, डीबीएस बैंक करेक्ट है। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्राण, वायु एंड श्वास आर द थ्री टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर्स डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? डीआरडीओ, इसरो, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की। प्राण, वायु, श्वास किसने डेवलप किया? डीआरडीओ ने, इसरो ने, आईआईटी बॉम्बे ने या आईआईटी रुड़की? मेन तो आपका दो ऑप्शन दे रहा हूं, डीआरडीओ या इसरो, इनमें से बताइए किसने करा। डीआरडीओ, इसरो में से बताइए। इसरो बता रहे हैं, इसरो बी ऑप्शन। डीआरडीओ भी बता रहे हैं, आईआईटी रुड़की भी बता रहे हैं। प्राण, वायु, श्वास, करेक्ट आंसर इज इसरो। ठीक है, किसने करा है? इसरो ने करा है। ठीक है,
इसरो है करेक्ट आंसर। चलिए इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, प्राण, प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंस फॉर द नीडी एड, वायु, वेंटिलेशन असिस्ट यूनिट, स्वास, स्पेस वेंटिलेटर एडिड सिस्टम फ्रॉम ट्रॉमा असिस्टेंस। अब फुल फॉर्म आपसे कोई नहीं पूछने आने वाला, ठीक है, बाकी फुल फॉर्म आपकी नॉलेज के लिए वैसे यहाँ लिख दिए, पूछेगा कोई नहीं। तो इनको डेवलप कौन कर रहा है? डेवलप याद रखिएगा इसरो ने करा, ठीक है, करेक्ट आंसर इज इसरो। कई जगह पे मैंने देखा था इसका आंसर डीआरडीओ भी लिखा है, बट वेबसाइट्स वगैरह आप जाके देखिए, इसरो साफ मेंशन कर रहा है ये मैंने डेवलप किया, तो इसरो तो गलत नहीं बोलेगा ना। तो प्राण हो गया, वायु हो गया, और स्वास्थ्य किसने डेवलप किए, ये आपके वेंटिलेशन है, इस डेवलप बाय इसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड किसने लिखी है, चेतन भगत, विक्रम सेठ, रस्किन बॉन्ड, अमर्त्य सिंह। होम इन द वर्ल्ड किसने लिखी है? जी बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज अमर्त्य सिंह, होम इन द वर्ल्ड। इन्होंने भाई कंट्री में बढ़ती इनइक्वालिटीज और जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं उससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसी तरह की बातें इस किताब में कवर करी, होम इन द वर्ल्ड। नाम क्या है ऑथर का? अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन ने लिखी किताब, याद रखेगा, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एज पर द स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट रिलीज बाई डैश, इंडिया वॉज रैंक डैश इन टर्म्स ऑफ द शेयर ऑफ सरप्लस ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू गवर्नमेंट। मतलब अभी एक रिपोर्ट निकली है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, पहला सवाल तो ये किसने निकाली, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या आरबीआई। उसके बाद इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, किस मामले में, कि जो भी सरप्लस पैसा है सेंट्रल बैंक के द्वारा गवर्नमेंट को दिया गया है तो उसमें रैंक बतानी है। होम एंड द वर्ल्ड, जवाहरलाल नेहरू कहां से आ गए, जवाहरलाल नेहरू कहां से आ गए? तो सबसे पहले तो आप क्या बताएंगे, स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो आपका रिपोर्ट है वो किसने निकाली है, पहला सवाल, और उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है इन टर्म ऑफ द शेयर्स ऑफ सरप्लस ट्रांसफर फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स टू गवर्नमेंट्स। अब देखिए, जो आपका सेंट्रल बैंक होती है, जैसे हर कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है, इंडिया के पास आरबीआई है, अमेरिका के पास फेडरल रिजर्व है, इसी तरह से हर एक कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है, तो सेंट्रल बैंक भी अपना कमाई करती है, जैसे आरबीआई की भी एक्स्ट्रा कमाई होती है। जैसे एक एग्जांपल तो आपका रेपो रेट से ही है कि बैंक आरबीआई क्या करती है, बैंक्स पे इंटरेस्ट लगाती है रेपो रेट, उससे पैसा कमाती है। तो जो भी आरबीआई की कमाई होती है तो उसमें जब एक्स्ट्रा कमाई होती है तो एक्स्ट्रा कमाई आरबीआई या जो भी सेंट्रल बैंक है वो किसको दे देगी, अपनी कंट्री की गवर्नमेंट को दे देगी, ठीक है। तो वही कहलाता है सरप्लस ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू गवर्नमेंट। तो ये जो सरप्लस ट्रांसफर करने में कितनी रैंक है इंडिया की, ये पूछ रहा आपसे सवाल, उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर होगा होगा आपका। प्राग प्राग कहां से आ गया, अच्छा लग रहा, कोई बहुत पीछे चल रहा है, कोई बात नहीं, आप आइए अपनी स्पीड से आइए। डी आंसर, सी आंसर, करेक्ट आंसर इज, वैसे ऑप्शन दिख भी रहे हैं, छोटे छोटे तो लिखे हैं बहुत, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। ये जो आपकी रिपोर्ट है ये किसने रिलीज करी है, ये रिपोर्ट रिलीज करी है आरबीआई ने, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी है, सेकंड, जो अमाउंट ट्रांसफर करा है उसके मामले में सेकंड नंबर पे हम आते हैं, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करा कर रही है हमारी आरबीआई गुदा गवर्नमेंट, और नंबर वन पे आपका टर्की है, ठीक है। अच्छा इसी बात पर टर्की का कैपिटल बता दीजिए,
टर्की का कैपिटल। सी एंड डी में युद्ध हो रहा और डी जीत गया, आरबीआई सेकंड नंबर पे है। कैपिटल बताइए टर्की का। बस इन्हीं को मुझे पकड़ना था, इस्तांबुल वालों को। भैया टर्की का कैपिटल अंकारा है, ठीक है, टर्की का कैपिटल अंकारा है, थोड़ा सा याद रखिएगा। लगता है इस्तांबुल है, हमें बचपन में कुछ ऐसी हमारी परवरिश होती कि पता नहीं हमें क्यों लगने लगता है इस्तांबुल है। करेक्ट आंसर इज अंकारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स दैट आर करेक्टली रिलेटेड टू द ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2021। तीन स्टेटमेंट दिए हैं आपको, इनमें से करेक्ट बताने। पहला कह रहा है कि जो ब्रिक्स कंट्री है उन्होंने ज्वाइंटली होस्ट किया था इस समिट को, और उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन इन स्टोरेज फॉर ग्रीन हाइड्रोजन बनाया है। उसके बाद दूसरा कि ये समिट वर्चुअली ऑर्गेनाइज करी थी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 2021 में इंडिया ने एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है ताकि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी और उसकी फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए। तो अब आपको बताना है करेक्ट आंसर। हाँ, करेंसी टर्की की लीरा है, बहुत बढ़िया। अच्छा जूम तो भैया नहीं हो पाएगा इसमें, ये वन नोट होता तो हो जाता जूम, ये पीपीटी है इसमें देखता हूँ हो जाएगा। चलिए अब ठीक है, अब बताओ। अरे ये वही चीज है ना, जूम करूंगा इसमें मूव नहीं करा सकते, जूम का तो दिक्कत है। ये पावर पॉइंट है ना, इसमें जूम नहीं हो पाएगा। Only AMB। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि ये ऑर्गेनाइज किसने कराई। तो जो ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन समिट है 2021, ये ऑर्गेनाइज कराई थी इंडिया ने, और इंडिया के बिहाफ पे किसने कराई थी, NTPC, ठीक है। इंडिया के बिहाफ पे किसने कराई, NTPC। तो ये जो ऑप्शन ए है जो कह रहा है ज्वाइंटली होस्ट कराई थी, गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है न्यू डेवलपमेंट वर्क ने ऑर्गेनाइज कराई, ये भी गलत है। तो ए और बी तो डायरेक्ट गलत हो गए, अगर आपको सिर्फ ये बात पता है कि इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय NTPC इंडिया, तो ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत। अब देखिए अगर ए ऑप्शन गलत है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और बी ऑप्शन गलत है तो ये नहीं हो सकता। तो अब आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बचा, डी, ओनली सी। ये मिशन इंडिया ने लॉन्च किया था, इंडिया लॉन्च द नेशनल हाइड्रोजन मिशन टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ओनली सी। तो करेक्ट आंसर इज डी, ओनली सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑर्गेनाइज किसने कराई थी, NTPC ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स दैट आर करेक्टली रिलेटेड टू द 15th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। अभी रिसेंटली ग्लोबल पीस इंडेक्स निकला है 2021 का, उससे पूछ रहा है ये रिलेटेड। पहला सवाल ये कि ये इंटरनेशनल पीस ब्यूरो ने रिलीज किया है। दूसरा सवाल ये है कि इसमें इंडिया की रैंक इंप्रूव होकर 91 हो गई है, पिछली बार 98 थी। और तीसरा पूछ रहा है कि जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है वो टॉपर उसका आइसलैंड है और लीस्ट पीसफुल अफगानिस्तान है। तो इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं आपको। नेट स्लो हो गया आपका। नेटवर्क थोड़ा स्लो लगा कर एक बार रिफ्रेश करके देख सकते हैं। और इसको देखिए ऐप पर ही यूज करना है, ठीक है, मोबाइल पे हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा दे, इसको ऐप पर यूज करिए, ठीक है, ऐप पर यूज करना है। नोट नहीं करना आपको, इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, तो नोट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ठीक है, एक बार देख लेंगे।
आइडेंटिफाई द पॉइंट्स जो अभी रिसेंटली 15th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 हुआ है उसके रिलेटेड तीन ऑप्शन है. पहला है ये इंडेक्स इंटरनेशनल पीस ब्यूरो ने रिलीज करा था. दूसरा ऑप्शन कह रहा है इसमें इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है. तीसरा कह रहा है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स इसको टॉप किया आइसलैंड ने जबकि अफगानिस्तान लास्ट पे था. तो ये तीन ऑप्शन है. पहला ऑप्शन गलत है, एक ग्लोबल पीस इंडेक्स इंटरनेशनल पीस ब्यूरो ने रिलीज नहीं करी है. एक दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने करी है, इंटरनेशनल पीस ब्यूरो ने नहीं करी. तो ए ऑप्शन तो नहीं है. तो सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ए ऑप्शन गलत है. दूसरा है इंडिया की रैंकिंग 91 नहीं है. ठीक है, इंडिया की रैंकिंग 91 नहीं है. इंडिया की रैंकिंग डिक्रीज हुई है, इम्प्रूव नहीं हुई है, डिक्रीज हुई है. तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता. ऑप्शन बी नहीं हो सकता तो ए ऑप्शन भी चला गया, डी ऑप्शन भी चला गया. तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता, ओनली सी. इसका टॉपर आइसलैंड है और अफगानिस्तान लास्ट टॉपर है इसका. ठीक है, हाँ, इंडिया की रैंक कितनी है? 135. इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे. ओनली स्टेटमेंट सी इज करेक्ट. ठीक है, इंडिया की रैंकिंग 135 है और ओनली स्टेटमेंट सी इज करेक्ट. देखिए नहीं विजिबल है तो इसको क्वेश्चन को आप अभी रहने दीजिए. ये वाला एक दो क्वेश्चन बस ऐसे छोटे हैं, बाकी तो अपना उसी फॉन्ट साइज में आ जाएगा. इसको आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स दैट आर करेक्टली रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट. हाँ, विचार करेक्ट पूछ रहा है. अच्छा एक चीज और, अगर देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप लोग इसको स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर सकते हो. सकता है आप लोग छोटी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए तो क्वेश्चन और क्लियरली विजिबल होगा. और जो एक अगर ये मान लीजिए स्क्रीन है या आपका कमेंट सेक्शन है तो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा गियर बॉक्स का. तो ये आपका सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहां से आप क्वालिटी सेट कर लीजिए, क्वालिटी कर लीजिए 720, फिर दिख जाएगा. हाँ तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. इसमें स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021, इसमें इंडिया की रैंक 117 आई है, ये हम पहले भी देख चुके हैं. तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है. इंडिया रैंक हायर देन इज साउथ एशियन नेबर्स? नहीं, सारे जितने भी साउथ एशिया के हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तान को छोड़ के सब में हम पीछे रहते हैं. इन सब के कंपैरिजन में हमारी रैंक पुअर है, सिर्फ पाकिस्तान को अगर छोड़ दें. तो ऑप्शन डी तो गलत है. पहले इंडिया की रैंक 168 थी इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स. हाँ, एक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी आती है 2020 की, उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 168. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. तो ए और सी तो आपका करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी ऑप्शन बी इज रॉन्ग. ठीक है, तो आंसर इज ओनली ए एंड सी, ऑप्शन ए. ये वाला जो ए ऑप्शन है ये हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं कि जो स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट है उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 117 थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. बी ऑप्शन गलत है, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब में हमारी रैंक पीछे है, बाकी सबसे पीछे हमारी रैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अभी रिसेंटली जो हम क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात कर रहे थे ना, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है रैंक नंबर 1 किसकी है? ऑक्सफोर्ड की. दूसरा कह रहा है वर्ल्ड की टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में आईआईटी बैंगलोर का नाम है. और तीसरा ऑप्शन कह रहा है आईआईटी बॉम्बे ने इंडियन यूनिवर्सिटीज में टॉप किया है. अब बताइए. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी, बॉम्बे. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी फॉर बॉम्बे. डी ऑप्शन. देखिए ए ऑप्शन तो गलत है. अभी हमने देखा ऑक्सफोर्ड नहीं था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी? एमआईटी थी.
दूसरा हाँ ऑप्शन ठीक है, आईसी बैंगलोर को वर्ल्ड टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में नाम मिला है और आईटी बॉम्बे ने इंडियन यूनिवर्सिटीज में टॉप किया, ये भी चीज हमने देखी। तो बी और सी सही है, ए गलत है। ए गलत है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बी भी सही है, सी भी सही है, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर इज डी, ओनली बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर इज डी। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, एक दो इसकी प्रैक्टिस आएगी तो आपको थोड़ा सा एक दो फैक्ट्स ज्यादा ही मिल जाएंगे, इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन प्रिफर करे। अदरवाइज इस तरह के आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट यहाँ पर ये खुद अपने आप में इस क्वेश्चन से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट है। तो ये मान के चलिए जो एसआई की स्क्रीनिंग के ये तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बना के हमने डिस्कस कर लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन आप पीसीएस वगैरह में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि अभी हम पीसीएस का नहीं कर रहे हैं तो अभी फिलहाल वो चीजें हम ज्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ कई लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि पीसीएस का कैसे करना है, क्या करना है, तो अभी हमने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा है, बट वी विल ट्राई कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं, क्योंकि उसमें काफी लोगों का डिमांड आ रहा है। क्योंकि ऑलरेडी आपको जो अमरजीत सर का नंबर है उसमें 3000 प्लस लोग कनेक्ट है हमारे व्हाट्सएप से, तो वो लोग काफी उस पर डिमांड कर रहे हैं कोर्सेज का पीसीएस के रिगार्डिंग। तो अगर आपका डिमांड आता है तो उसको हम कंसीडर करेंगे रिगार्डिंग पीसीएस, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम पीसीएस का कराएंगे तो हमें और डेडिकेटेड टीम बनाना पड़ेगी, फैकल्टीज और एड करना पड़ेगी, तभी हम उस काम को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड विच टू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश्ड बाय द बीआरओ एट सीमा सड़क भवन इन न्यू दिल्ली, बताइए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश करें, वो इनॉग्रेट करें, बनाया किसने, बीआरओ ने, एट सीमा सड़क भवन इन न्यू दिल्ली, वो कौन कौन से दो सेंटर से वो बताएंगे आपको। करेक्ट आंसर इज डी, कोयर्सा भी आ जाएगा, कोयरबेट भी आ जाएगा। ठीक है, कोयर्सा कोयरबेट दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे। फुल फॉर्म क्या है इनकी, कोयर्सा क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस, और कोयरबेट क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड्स ब्रिजेस एयरफील्ड्स एंड टनल्स। अच्छा ये सब इस्टेब्लिश कौन कर रहा है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये इस्टेब्लिश कौन कर रहा है, बीआरओ। बीआरओ की फुल फॉर्म बता सकते हैं, बीआरओ की फुल फॉर्म और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये भी बताइए, बीआरओ की फुल फॉर्म और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। मैसेज नहीं आ रहे क्या, और बहुत बढ़िया। हाँ बीआरओ बोले तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये किस मिनिस्ट्री में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है। जितने भी ये जनरली बनाया गया तो नॉर्थ ईस्ट साइड में बॉर्डर्स जो है वहां पर रोड्स क्रिएट करना है, जितना भी बॉर्डर एरियाज रहते हैं वहां पर डेवलपमेंट का सारा काम किसका रहता है, बीआरओ का रहता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखिएगा, कई लोगों को लगता है हाईवे मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो रोड बना रहा है, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन गलती है, कौन सा ऑप्शन गलती है, बी ऑप्शन, ओ हाँ 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 ठीक है, ए एंड सी होगा, ए एंड सी, ठीक है, ये बी नहीं होगा, ये सी होगा। इसको मैं जो अभी पीडीएफ आपको अपलोड करूंगा टेलीग्राम पे उस पर सी कर दूंगा। ठीक है, ये सी होगा, कोर्सा कोर्बेट ये दोनों है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड अ साइंस रिपोर्ट टाइटल द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट, एक साइंस रिपोर्ट आई है द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट, ये किसकी है, यूएनडीपी, डब्ल्यूटीओ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक,
बताइए। देखिए यूज इसको ना आप लोग ऐप नहीं करा करिए, अगर आप लोग हो सकता है गूगल क्रोम या किसी ब्राउजर पे यूज कर रहे होंगे तो उतना बेटर नहीं चलेगा। फेसबुक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसी पे करिए। आंसर नहीं आ रहा। ऑल राइट, CADBC। बड़े मिक्स आंसर आते हैं। लाइफ टाइम तो नहीं चाहिए ना किसी को, लाइफ टाइम वाला है कोई? कोई लाइफ टाइम वाला तो नहीं है। चलिए करेक्ट आंसर डिस्कस करते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को ने ये रिपोर्ट निकाली थी जो रिवील करता है कि पैंडेमिक का इम्पैक्ट क्या हुआ है साइंटिफिक रिसर्च पे। तो साइंटिफिक रिसर्च किस हद तक इम्पैक्ट हुआ है इस पैंडेमिक की वजह से, उस पर रिपोर्ट निकाली है। किससे निकाली है? यूनेस्को। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये बताना है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या होगा। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क नहीं है, और बताइए यूनेस्को का हेडक्वार्टर। पेरिस। वेरी गुड, यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है? पेरिस। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा हु क्लेम्स अ गोल्ड मेडल इन द सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक्स मीटिंग इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। है कोई जो इसका सब आंसर भी गलत कर दे? इसका कोई गलत कर सकता है? नीरज चोपड़ा को प्लीज द गोल्ड मेडल इन द सिटी ऑफ प्लीज ऑन एथलेटिक्स मीटिंग इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए, इसका आंसर गलत बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। करेक्ट आंसर बताना। ऑल राइट, अभी तक तो सबका आंसर डी चल रहा है। और है कोई डी के अलावा वाला? डी के अलावा वाला कोई है? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज डी, जैवलिन थ्रो। ठीक है, जैवलिन थ्रो। अभी रिसेंटली नीरज चोपड़ा को क्या मिला आपका? गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, अच्छा ये लिस्बन ये सिटी किस कंट्री में पड़ती है? लिस्बन कहीं की कैपिटल है? ये बता सकते हैं लिस्बन कहाँ की कैपिटल है? लिस्बन कहाँ की कैपिटल है? लिस्बन कहाँ की कैपिटल है? बहुत बढ़िया, लिस्बन कैपिटल है पोर्टुगल की। ठीक है, पोर्टुगल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड विच प्रोग्राम टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल सच एज जियोलाइट्स सेटिंग अप ऑफ स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेसर्स। ठीक है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स डेवलप करने, ऑक्सीजन सप्लाई इंडिया में अभी सबको पता है कुछ महीने पहले ऑक्सीजन की कितनी भारी किल्लत हुई हुई थी हिंदुस्तान में, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हमें देखने को मिली थी। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया ताकि ऑक्सीजन की कम किसी भी तरह की कमी महसूस ना हो, उसके लिए एक नेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंडिया बनेगा। ठीक है, नेशनल कंसोर्टियम बनेगा एक, तो वो ये पूछ रहा है इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। प्रोजेक्ट का नाम बता सकते हैं? प्रोजेक्ट लाइफ।
और बताइए, प्रोजेक्ट ओ टू। डी प्रोजेक्ट ओ टू या फिर प्रोजेक्ट पैंडेमिक या प्रोजेक्ट लाइफ या प्रोजेक्ट हेल्थ क्वालिटी, बताइए करेक्ट आंसर बताने, करेक्ट बताइए। करेक्ट आंसर इज डी, प्रोजेक्ट ओ टू फॉर इंडिया। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी, प्रोजेक्ट ओ टू फॉर इंडिया। ओ टू ये ऐसे वाला, ये वाला ओ टू ऑक्सीजन, इसमें एक नेशनल कंसोर्टियम बनेगा, नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स, स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट्स, कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स, ये सारी सुविधाओं की पूर्ति की जाएगी, ये सारी फैसिलिटीज पूरी की जाएंगी अंडर द नेशनल कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशन। प्लान का नाम क्या है? प्रोजेक्ट ओ टू फॉर इंडिया। ऑलराइट, इसमें एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है जो आपका जियोलाइट मटेरियल यूज करता है। ठीक है, तो जियोलाइट कभी भी पूछे कहाँ यूज होता है, तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स में यूज होता है। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को फिल्टर आउट करना। तो एयर एंटर करती है और यहाँ से जियोलाइट के कनिस्टर्स लगे होते हैं, यहाँ से आपका जो ऑक्सीजन फिल्टर होगी वो अलग निकल जाएगी पेशेंट के पास, और नाइट्रोजन इसमें से फिल्टर आउट होके बाहर चली जाएगी। तो इसको फिल्टर करने का काम आपका किसका रहता है? ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में, इसमें लगे हुए जियोलाइट का, ये एक तरीके से फिल्टर्स का काम करते हैं जियोलाइट। तो कभी भी पूछे जियोलाइट किससे रिलेटेड है, अभी न्यूज में था, तो वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से रिलेटेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैज लॉन्च्ड विच पोर्टल फॉर पीपल टू चेक मॉडिफाई सब्सक्रिप्शन ऑफ टीवी चैनल्स, करेक्ट आंसर बताना आपको। करेक्ट आंसर बताना। इंटरव्यू आपका स्क्रीनिंग है 22nd को, तो उससे एक दिन पहले तक हम क्लास करते रहेंगे। लास्ट का दो क्लास थोड़ा सा चेंज रहेगा, लास्ट वाले दिन तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा चीजें भी करेंगे, तो उसमें क्लासेस आपको सुबह ही निपट जाएगा। लास्ट वाले दिन रात का क्लास नहीं करेंगे, लास्ट वाले दिन का करेंगे, वो अभी प्लान बनाएंगे उसका क्या करेंगे, लास्ट वाले दिन वो इन्फॉर्म हो जाएगा आपको। तो इसका आंसर बताइए अभी तो आप, नो आइडिया। DTH करेक्ट आंसर इज टीवी चैनल सिलेक्टर। ठीक है, एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है टीवी चैनल सिलेक्टर। यहाँ पर आप जाके, आप किसी भी डिश टीवी को यूज करते हो, एयरटेल यूज करते हो, टाटा स्काई यूज करते हो, वीडियोकॉन यूज करते हो, आप यहाँ पर जाकर अपना सब्सक्रिप्शन आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, वहां से आपको एक पोर्टल ओपन हो जाएगा इस वेबसाइट पर, टीवी चैनल सिलेक्टर वेब पर। वहां पर आप अपना जो भी सब्सक्रिप्शन है टीवी का उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चैनल घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब आपको अलग अलग उन कंपनीज की वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, इस पोर्टल पे जाके भी आप कर सकते हैं। ये पोर्टल किसने बनाया? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया, इसको TRAI कहते हैं, TRAI। तो आपको ये बताना है TRAI कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, एग्जीक्यूटिव या स्टैचुटरी। अच्छा, स्टैचुटरी और लेजिस्लेटिव एक ही बात होती है, बताइए कौन सी बॉडी है TRAI, कौन सी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल, एग्जीक्यूटिव या स्टैचुटरी? हाँ, LDC के लिए भी हम करेंगे, एलडीसी के लिए भी करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा,
मांगलिंग आप ग्रुप में ऐड है कि नहीं है, पहले तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ये जो नंबर हो रहा है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, फिर वहां से आपको फर्दर जानकारी मिल जाएगी। तो इसका आंसर बताइए, ऑलराइट, ये स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, इसके लिए कानून पास हुआ, टीआरए आई एक्ट 1997 में इसके लिए लॉ बना है, तो कैसी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर ही आ जाएगी आपकी, तो याद रखिएगा, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन ये टीआरएआई लॉन्चेस चैनल सेलेक्ट रिपोर्टर, ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज वॉन द गोल्ड इन द 53 केजी ऑफ विमेन्स कैटेगरी, 24 का आंसर बताइए। Who has won the gold in the 53 kg of women's category at the Poland Open in Warsaw? Poland Open कहाँ हो रहा है? Warsaw में हो रहा है। आपको बताना है इसमें गोल्ड किसने जीता है 53 kg में in the women's category। करेक्ट है, करेक्ट आंसर इज ए विनेश फोगाट। ठीक है, जितना भी मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबल जितना भी स्पोर्ट्स से पूछ सकता है वो कोशिश करी हमने सारी कवर करने की, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह से सवाल आते रहते हैं, तो इसलिए कोशिश तो पूरी करिए स्पोर्ट्स से कवर हो जाए आपका सारा क्वेश्चन, ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डेल्टा वेरियंट ऑफ इंडिया हैज फर्दर म्यूटेटेड टू फॉर्म द डेल्टा प्लस ऑफ कॉल्ड एज विच वेरियंट। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बताया था कुछ चार वेरियंट्स इंडिया में थे, इंडिया के नहीं थे, चार वेरियंट्स मार्केट में चल रहे थे, एक अल्फा था, एक बीटा था, एक गामा था, एक डेल्टा था। अभी ये जो डेल्टा है ये अपने आप को फिर इवॉल्व कर ले गया, म्यूटेट कर ले गया, तो अब डेल्टा से बन गया है डेल्टा प्लस, तो आपको बताना है डेल्टा प्लस का दूसरा नाम क्या है। छोरी छोरों से कम नहीं है, बताइए डेल्टा प्लस का नाम बताना है, क्या नाम है इसके वेरिएंट का, सी क्या है, बी वाई डॉट टू वन, ए वाई डॉट वन, ए वाई डॉट वन, और बताइए। करेक्ट, करेक्ट आंसर इज आपका ए वाई डॉट वन वेरियंट, ठीक है, ए वाई डॉट वन वेरियंट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, इसका पीडीएफ तो आपको लिखे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अगर आप नए हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा, वहां से निकलने के बाद सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां से आपको टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, फिर आप वहां से टेलीग्राम में जब ऐड हो जाएंगे तो वहां आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, पुराने जो पीडीएफ हम अपलोड कर चुके हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो करेंट में जो हम पीडीएफ्स अपलोड कर रहे हैं वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है, रोज रात को मैं ये सारी पीडीएफ विद आंसर अपलोड कर देता हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। देखिए, व्हाट्सएप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप पे लोग लेट से ऐड होते हैं, फिर उनको पीडीएफ नहीं मिल पाता, फिर वो परेशान होते हैं, तो एक बार जब टेलीग्राम पे अपलोड हो गया तो आप कितनी भी बार डाउनलोड कर सकते हैं, मिलियन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है, और डर लग रहा है तो डर लगना अच्छी बात है, लेकिन डर पे काबू करना आपको सीखना होगा, डर भी जितना आप काबू कर ले जाएंगे उतना ही आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी,
सिंसियरिटी अगर आपने बना के रखी तो डर लगना नेचुरल है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट हाँ, वो डर इतना ना हो कि आप एग्जाम में परेशान हो जाए, एंजाइटी में एग्जाम ना दे पाए। तो इस टाइम आपको बिल्कुल रिलैक्स होके काम डाउन होके काम करना है। अब जितना भी आप पढ़ सकते थे आप पढ़ चुके हैं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने। जितने आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे उतना ही आपके लिए मौका अच्छा है लाइफ में कुछ सिक्योर करने का, कुछ बड़ा अचीव करने का। और सिर्फ यही आपको टारगेट नहीं करना है, और भी आपके बड़े बड़े एग्जाम्स आएंगे, आपको उनको भी टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि ये नहीं निकला तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप ये अगर फेल भी होता तो आप अपना गोल थोड़ा सा और बड़ा बनाइए और आगे बढ़िए। पीछे नहीं हटना है, आगे ही बढ़ना है। लाइफ में कभी भी पीछे नहीं जाना है, आगे ही बढ़ना है। फेलियर्स क्या है? टेम्परेरी है। आज फेल होंगे तो कल सक्सेस भी आएगी। ग्राफ हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं चलता इंसान का, कभी ऐसा है तो कभी ऐसा है तो कभी ऐसा फिर होगा, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ, उनसे नहीं घबराना है। लेकिन उन अप्स एंड डाउन्स से अपने आप को जज नहीं कर लेना कि मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं बुद्धू हूं, मैं यूं हूं, ऐसे अपने आप को जज नहीं करना। अप्स आए डाउन्स आए, अपनी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में उतर ही चुके हैं तो और अच्छे अच्छे लेवल के कॉम्पिटिशन लीजिए, और जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं उनके लिए ट्राई कीजिए। जितना भी पॉसिबल हो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए फिर यहाँ से आपको बेस्ट ऑफ लक, तैयारी मेंटेन करते रहिए। अलविदा।